में हम बनाएंगे बटर क्रीम। बहुत सारे डिमांड्स थी कि हमें बटर क्रीम की रेसिपी चाहिए, तो फाइनली वी आर अप विद अ बटर क्रीम रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। एंड बटर क्रीम बनाना भी इतना इजी है ना गाइस, सिंपली देखो आपको सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमारी सारी रेसिपीज ही वैसे सारी इजी है। हमने ले लिया बटर, ये रहा हमारी आइसिंग शुगर, ये रही हमारी फ्रेश क्रीम, एंड ये रहा हमारा सॉल्ट। बस ये इंग्रेडिएंट्स में आपकी बन जाएगी बटर क्रीम। एंड ये बटर क्रीम आप इतने वेज में यूज कर सकते हैं, पता है, आप आपके केक डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं, आप अपने बटर क्रीम कपकेक्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये ले लिया मैंने बटर। बटर आप मेल्टेड नहीं लेना, बटर की कंसिस्टेंसी ना हमेशा इस तरह से क्रीमी होनी चाहिए। कैन यू सी, चल रहा है बट क्रीमी। अगर आप मेल्टेड बटर होंगे ना, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो बटर क्रीम का टेक्सचर, वो आपको अचीव नहीं होगा एंड एकदम रनी सा बैटर बन जाएगा। तो मेक श्योर आप बटर एकदम चिल्ड है, सी इस तरह का क्रीमी लो। अब हम क्या करेंगे पता है, सबसे पहले हमारे बटर को बीट करना स्टार्ट कर देंगे। हाई स्पीड पे बीट करना है आपके बटर को। अच्छी तरह से बीट हो चुका है। अब हम इससे डाल देंगे अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हम इसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके आइसिंग शुगर डालेंगे। बट यू नीड टू मेक श्योर वन थिंग, आप जब भी आइसिंग शुगर डालो ना, आप अपनी आइसिंग शुगर को हमेशा सीव करके डालो। अगर आप डायरेक्ट डाल दोगे ना, तो आपकी बटर मिल्क में, सॉरी बटर मिल्क बोरी में, बटर क्रीम में लम्स हो जाएंगे। सो ये रही हमारी आइसिंग शुगर। हमारी आइसिंग शुगर में कितने सारे लम्स हैं, एंड अगर आपको लम्प फ्री बटर क्रीम चाहिए, तो आपको इसी तरह से सीव कर लेना है आपकी बटर क्रीम आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर में बहुत सारे लम्स हैं, सो बस यही सारे लम्स हम क्लियर कर रहे हैं कि हमारी बटर क्रीम एकदम स्मूथ एंड सिल्की बने। अब हम इसे भी वापस से बीट कर लेंगे। हाई स्पीड पे बीट कर रही हूं मैं। ये हमारी आइसिंग शुगर अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब हमारी और आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे। मैंने रेस्ट पूरी ऐड कर दी। सीविंग करना बहुत बोरिंग लगता है मेरे लिए, आइसिंग शुगर को इतना टाइम लग लेता है ना ये, पर ठीक है हम कर लेंगे। चलिए फिर से हमारी बटर क्रीम को बीट कर लेते हैं। Thank you.
हमारी बटर क्रीम रेडी। आप इसमें अपने अपने यू नो अपने चॉइस के फ्लेवर्स डाल सकते हैं, कलर्स ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। एंड ये हमारी देखिए कितनी स्मूथ सिल्की एंड फ्लफी है। कोई गाइस कैन यू सी द टेक्सचर कितना स्मूथ एंड फ्लफी है। देखिए ये हमारी बटर क्रीम हो चुकी है रेडी। एंड आप इस बटर क्रीम से बना सकते हैं अपने कपकेक्स, केक्स एंड बहुत सारी क्रिएटिव डिजाइंस कर सकते हैं। एंड यही बटर क्रीम से सारा बन जाएगा। सो डू ट्राई इट आउट।